और मेरे पास अंकल है और मेरे पास पापा है, सब है मेरे पास। और मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, बोलो। और मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। तो आप क्या करते? बहुत गर्मी है भाई, तो बिना पंखा के तो काम नहीं बनेगा, है ना। और ये देखिए, ये महाराज जी को पढ़ने के लिए किताब लाए हैं। बताइए, ये किताब आप लोग समझ सकते हैं 110 रुपये का है। ये देखिए, 110 रुपये का किताब है और ये थोड़ा सा भी नहीं पढ़ता है। आप ही लोग बताइए कि इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हैं बताइए। इतना बड़ा हो गया है, करीब 4 साल होने को हो रहा है और ये पढ़ाई नहीं करेगा, तो मैं क्या करूं, कैसे इसको पढ़ाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा मारना भी उचित नहीं है बच्चों को, ठीक है ना, और ज़्यादा प्यार भी उचित नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। तो आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ हूँ, पता नहीं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, लेकिन ये जो ब्लॉग है ये इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरा नेल पेंट छूट चुका है और मैंने आज क्या अपने बाल को ऊपर करके बांधा हुआ है, क्योंकि इतनी गर्मी थी, ऊपर से थोड़ी देर बारिश हो गई और बारिश होने से और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। बेटा इधर आओ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो सोच रही हूँ कि शाम में नहा लूँ, देखती हूँ नहा लेती हूँ। आज शुक्रवार है, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे शनिवार को दिक्कत होती है नहाने में 2 बार और बृहस्पतिवार को, ये 2 दिन हमें दिक्कत होती है, मतलब कि 2 टाइम नहीं नहा सकते हम औरतें जो हैं। और क्या कहूँ, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मतलब कि अच्छा लगेगा तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं इतना ही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अब आप लोग की मर्जी, नहीं कीजिएगा तो ऐसा कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती आपको करने का मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो कीजिए, लेकिन बता देती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो सही रहेगा मेरे लिए भी आपके लिए। मैं छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर सही है तो सही है, नहीं तो नहीं है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, मिलेंगे। यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल करके, रिफाइन का तेल नहीं होता उसको डाल करके, और मैं इसमें जानते हो गुलगुला जो होता है आटा और गुड़ का, वही मैं इसमें बना रही हूँ। तो मैंने बैटर को पहले से इसको क्या कहते हैं, मीठा जो होता है गुड़ को मैं पहले से गला करके रखी हुई थी और मैंने उसको छान लिया। छानने के बाद मैं उसमें गेहूं का आटा मिला करके और बैटर तैयार करके रख दिया था। तो ये देखिए मेरा गुलगुला कितना अच्छा बन रहा है। इसको ना मीडियम आंच में बनाना होता है, ज़्यादा आप हाई करिएगा तो बाहर से तो जल जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं, इसीलिए मीडियम आंच में बनाना पड़ता है। और मैं इसमें जितना आ जाएगा उतना मैं डाल दूँगी, और मैं तो फर्स्ट बार इतना ज़्यादा डाल दी थी कि मत पूछिए, ज़्यादा डालना भी अच्छा बात नहीं था, फिर भी मैंने डाल दिया। ये देखिए बैटर, मुझे लग रहा था कि गुड़ ज़्यादा हो गया लेकिन नहीं, सही था, मेरा अंदाज़ा सही हो गया ना, कभी कभी अंदाज़ा सही हो जाता है। तो इसको मैं पलट ले रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चाहे नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर डाल करके बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं इसमें कुछ नहीं डाली थी, सिर्फ गुड़ था, क्योंकि बच्चे जो है ना उसमें मुंह में कुछ आ जाता है तो नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं नहीं डालती। कुछ कुछ बना देती हूँ ना खाने के लिए सबको, नहीं तो दिक्कत होता है, जब जब भूख लगता है, मम्मी भूख लगी है तो मैं क्या दूँ, तो इसीलिए बना करके स्टोर करके रख देती हूँ। ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाती हूँ मैं, कुछ दिन के लिए बना करके रख देती, 2 से 3 दिन, ज़्यादा दिन है
क्योंकि सब ज़्यादा दिन रहने से थोड़ा अच्छा नहीं होता, ख़राब हो जाता है, इसीलिए आटा का है ना। और मैंने इसमें थोड़ी सी एक पिंच के से भी कम मैंने इसमें अथी रखा था, ये खावर सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है उसी को मैंने इसमें रखा था। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, लग रहा है गुलाब जामुन है ना, इसी तरह लग रहा है। तो मैं सबको निकाल करके प्लेट में डाल दे रही हूँ, तो उसके बाद मैं इसको पन्नी में चाहे डब्बा में आप रख सकते हैं। तो देखिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी।